डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जहाँ पे एक्सेलरेशन के जो इक्वेशन है, देखो व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है क्या? कम ऑन लेट मी नो एवरीवन, व्हाइट व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको? गैस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर्मूला था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. After that, guys, with the help of that equation, we find out that A is equal to, which is plus minus omega square into x, और A max जो था वो हमारा था A max which is equal to omega square into A. Similarly, guys, we had the velocity equation. Velocity equation that should be the v is equal to omega under root a square minus x square. Guys, यहाँ पर भी आप लोग plus minus use कर सकते हो. That plus minus. And after that, we had the v max that should be the v max which is equal to the that omega into a. So, A max और V max दोनों ही फॉर्मेट सेम है, तो इनका कॉम्बिनेशन नीट और JEE में जनरेट हो सकता है. अब सेम फॉर्मेट में गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के हेल्प से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड आउट किया था, और डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कोई बताएगा मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? कम ऑन लेट मी नो एवरीवन, लेट मी नो द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन डिफरेंशियल सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या मिला था? कम ऑन स्पीकर, कुछ भी नहीं मिला था. क्या मिला था? मोहम्मद शेख, नेहा, क्या मिला था? अभिषेक, क्या मिला था? सेम गाइस, याद रखना यही प्रॉब्लम होती रहेगी जब तक आप लोग डेरिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये बात याद रखना आप लोग. और अच्छी तरीके से डेरिवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो गाइस. जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था, द डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला शुड बी है यस एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. गुड गुड गाइस, लिखने की बजाय आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो. जो डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो स्टैंडर्ड इक्वेशन था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा. प्लस अल्फा गाइज, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था. इस इक्वेशन के बाद we need to find out the two formulas. If the particle which should be started from the mean position and if the particle which should be started from the extreme position. Guys, we need to find out the two formulas over there. Yaad rakhna, yahan pe do formulas find out karne hain. Sabse pehla formula, likh lo sab log. Ye derivation ke baad, displacement derivation ke baad continue karenge. To zara notebook aur pen nikal lo, likhna shuru karo. I repeat, uske niche do formula find out karna hai. To is equation ke baad continue karenge. Point likho. If the particle started from mean position, if the particle started from mean position, तो mean position से start होगा. So guys, अगर particle mean position से start हो रहा है, so that displacement should be a x is equal to zero. और याद रखना, चाहे mean position हो, चाहे extreme position हो,
पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, सो आवर टाइम शुड बी अ जीरो. तो हम लोग अबव इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे सेम फॉर्मूला. अप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन, फर्स्ट लेट मी नो कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये इक्वेशन नंबर कितना दिया था लास्ट टाइम, क्या था ये इक्वेशन नंबर? सर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री. सो गाइड्स रिमेंबर इट, दैट इज द इक्वेशन नंबर थ्री. सो x इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू जीरो, विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर थ्री. सो इंस्टेड ऑफ x हियर वी हैड द जीरो इज इक्वल टू a sin that t should be a zero, so t multiplied with omega it will become a zero plus alpha plus alpha. Now guys is a ko equal ke dusre side leke jayenge, so zero divided by a, zero divided by a which is equal to sin alpha only. Sin alpha. Now guys, zero divided by anything gets zero. Same having the zero is equal to sin alpha. Now guys, ये जो alpha है, ये angle की जगह पे है. Alpha theta की जगह पे है. तो हमें कुछ ऐसा angle use करना होगा, जिससे कि हमें वहाँ पर put करने के बाद, for example, जो भी theta है, theta को एक ऐसे value से replace करना है कि sin zero मिलना चाहिए. तो मोहम्मद किससे replace कर सकते हैं? इस अल्फा को रिप्लेस करना है कुछ ऐसी वैल्यू से जिससे साइन जीरो मिले, क्योंकि एंगल की जगह पे है ये अल्फा, एंगल की जगह पे है. सो लेट मी नो अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं मोहम्मद? सर पाई बाय टू. पाई बाय टू नहीं, पाई बाय टू 90 हो जाएगा, साइन 90 विल बिकम अ वन. जीरो डिग्री. Yes, zero degree. So guys, alpha की जगह पे will put the zero. So यहाँ पे sin zero zero मिलता है. तो guys यहाँ पे अभी ये पूरे condition से alpha is equal to zero मिला है. अब इस alpha को हम लोग substitute करेंगे equation number three में. So we'll substitute alpha is equal to zero in equation three. Equation three में substitute करेंगे. तो हमारे पास बेसिकली x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है. तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? जीरो. जीरो पुट करोगे क्या मिलेगा? ये लिखते जाओ गाइस, ये लिखते रहना आप लोगों को. ओमेगा टी प्लस जीरो. सो हियर वी हैड द इक्वेशन ओनली x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. That is our equation number four. तो मतलब फॉर्मूला हम लोगों को ये मिला है, if the particle started from mean position. याद रखना, जहां पर भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, आगे हम लोग दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, where we having the two types of question, when the particle started from mean position and when the particle which should be started from extreme position. अगर mean position का क्वेश्चन देखोगे तो उसका displacement equation होगा x is equal to a sin omega t. हमेशा याद रखना, if particle which should be started from x is equal to a sin omega t, मतलब वो mean position को represent कर रहा है. तो जहां पर भी चाहे वो MCQs हो, numerical हो, question हो, अगर लिखा है if particle started from mean position, then we need to write down the formula x is equal to a sin omega t. Is that clear everyone? समझ में आया क्या सबको ये? Come on, let me know. Yes sir. Yes sir. ये पूरा लिख लो, ये पूरा लिख लो. ओके ओके, लिख लो ये पूरा. लिखे ये पूरा सब लोगों ने? ओके. अब गाइस ये पूरा लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if particle started from extreme position. Add on next point, if particle started from extreme position. Agar particle extreme position se start hoga
डन लिखा सब लोगों ने पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ओके ओके अब गाइस पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कंडीशन में ही इसे सॉल्व करना है ना तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग सर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड व्हाट ओनली एम्पलीट्यूड प्लस माइनस ए सर यस यस सो इफ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन गाइस मैं वापस स्टैंडर्ड फार्मूला लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट का x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था स्टैंडर्ड फार्मूला अब गाइस इस स्टैंडर्ड फार्मूला में इफ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन सो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी विल यूज द x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और सेम कंडीशन पार्टिकल चाहे मेन पोजीशन से स्टार्ट हो या फिर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो जहां से भी स्टार्ट होगा उसका टाइम वहीं से काउंट होता है मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट है सो टाइम शुड बी ए जीरो अगेन पार्टिकल चाहे जहां से भी स्टार्ट हो टाइम हमेशा जीरो यूज करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे कोई टाइम है ही नहीं तो गाइस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे प्लस माइनस ए रखेंगे और टाइम की जगह पे जीरो तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे प्लस माइनस ए रख देंगे हम लोग फिर सब्स्टिट्यूट दैट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 3 सो दैट प्लस माइनस ए इंस्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन जीरो प्लस अल्फा गाइस ए ए विल गेट कैंसल सो हियर वी रिमेन ओनली प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा अल्फा की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं ऐसा कौन सा एंगल यूज कर सकते हैं जिससे साइन एक बार 1 मिले और एक बार माइनस 1 मिले लेट मी नो अल्फा की जगह पे ऐसा क्या यूज कर सकते हैं जिससे एक बार 1 मिले साइन में और एक बार माइनस 1 मिले कम ऑन स्पीक अप एवरीवन नाइंटी यस नॉट प्लस पाई बाय टू ओनली पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू नहीं यूज करेंगे एक सेकेंड गाइस यहाँ पे एक बार अल्फा की जगह पे पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू मतलब जो पाई बाय टू है सो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू That is 90, sine 90 1, 3 pi by 2 मतलब 270, 2, sine 270 is minus 1. तो guys, यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम लोग pi by 2 use करेंगे. So we'll use the alpha is equal to pi by 2 in equation 3. ये जो equation number 3 था हमारा. ये हमारा equation number 3 था. तो गाइज इस इक्वेशन में हम लोग अल्फा की जगह पे पाई बाय टू पुट करेंगे तो पाई बाय टू पुट करोगे तो यहाँ पे तो सेम इक्वेशन आपको लिख देना है सब्स्टिट्यूट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू इन इक्वेशन नंबर 3 सो ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू तो पाई बाय टू यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने अब गाइज ये एक फॉर्मूला है एक फॉर्मूला की तरह दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला है लेट मी नो एक फॉर्मूला है ना ये एक्स इज इक्वल टू या फिर ए साइन थीटा प्लस 90 विच इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा प्लस 90 क्या होता है बोलो साइन माइनस कॉस थीटा नॉट माइनस माइनस कॉस थीटा अरे माइनस कहां से आ गया अरे
साइन थीटा प्लस 90 दैट इज ओनली कॉस थीटा. अरे फॉर्मूला भी उल्टा सीधा पड़ता है तू. कैसे सर, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा भाई. तू वापस फॉर्मूला देख ले एक बार. x इज इक्वल टू इट विल रिमेन ओनली कॉस थीटा. अच्छा तो मतलब हमेशा से कंफ्यूज रहता है या फॉर्मूला गलत पड़ता है जी? हाँ सर, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना. बेसिक फॉर्मूला है. जहां पर भी साइन थीटा प्लस 90 है ना, वहां पे कॉस थीटा का ही फॉर्मेट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता ही नहीं. हाँ सर, मेंशन करने की जरूरत पड़ती है सर. प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ. प्लस माइनस यूज नहीं करना है अभी यहाँ पे, जब तक पोजीशन ना पूछा जाए. ये बात याद रखें सर. मैथ्स में जो पढ़ा था वो बोला. यहाँ पर नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है. अब गाइस यहाँ पर ये जो टर्म मिला है x इज इक्वल टू a cos थीटा, नॉट थीटा सॉरी, यहाँ थीटा की जगह पे ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे एंगल की जगह पे ओमेगा टी है, तो यहाँ पर भी ओमेगा टी होगा. मतलब गाइस ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया. ये जो आपका इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 5 होगा. अब गाइस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन था, इसके लगभग 3 फार्मूलाज हम लोगों को मिल चुके हैं. पहला जो स्टैंडर्ड था वो था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. दूसरा था इफ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मेन पोजिशन, तो उसका फार्मूला बन गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट होगा तो उसका फार्मूला होगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. गाइज अभी इतना याद रख लेना कि जैसा आपसे फार्मूला पूछा जाएगा आप उस फार्मूला तक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और जहां पर भी मीन और एक्सट्रीम मेंशन कर दिया जाएगा तो वहां पर उनसे रिलेटेड फॉर्मूला को यूज करोगे. पहले ये लिख लो, फिर मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलास कहाँ पे यूज करने हैं. पहले ये लिख लो पूरा, एंड लेट मी नो इफ यू कंप्लीटेड. Done everyone? Okay, okay. एक सेकंड गाइस. अब गाइस यहाँ पे सेम कंडीशन में वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन कौन से टर्म्स मिले हैं. सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. गाइज ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला सुपर पोजिशन में भी काफी जगह मिलने वाला है. सुपर पोजिशन के बाद गाइज आप लोगों को ये और भी बहुत सारे चैप्टर्स में मिलने वाला है. एसी सर्किट में मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मिल जाएगा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में मिल जाएगा. तो जहां पर भी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा यूज करेंगे तो बात समझ जाना कि ये ऑसिलेशन चैप्टर के डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन से जनरेट हुआ है. वहां पर डायरेक्ट यूज होगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा प्रूफ कर दिया है. अब जहां पर भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे इफ द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, जहां पर भी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट, आपको फॉर्मूला है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t. आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. न्यूमेरिकल वगैरह में अगर ये पूछेंगे तो डायरेक्ट आप लोग इसको यूज कर सकते हैं. और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो ये वाला टर्म आप लोग यूज करोगे वहां पे. इज दैट क्लियर एवरीवन? एक सिंगल डेरिवेशन से हमें 3 फॉर्मूलाज मिल चुके हैं. एक स्टैंडर्ड है, एक मीन पोजीशन से है और एक एक्सट्रीम पोजीशन से. लेट मी नो सबको क्लियर हुआ कि नहीं ये डेरिवेशन. अब गाइस यहाँ पर अभी तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन प्रूव किया हुआ है. अब इसके बाद हम लोग जो बोल रहे हैं कि जहाँ पे मीन पोजीशन है वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस माइनस a होता है, तो ये तो हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा हुआ है. अब हम लोगों को इसको डेरिवेशनली भी प्रूव करना है.
याद रखना, ये तो अभी खाली हमारे पास थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में था, तो इस डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन में इसे हम लोग डेरिवेशनली भी प्रूफ करेंगे। तो गाइस एक टर्म मैं प्रूफ करने वाला हूं, दूसरा टर्म आप लोग प्रूफ करोगे। सबसे पहले चेक करते हैं मीन पोजीशन कि x इज इक्वल टू जीरो किस तरीके से मिलता है। एंड बिफोर दैट गाइस राइट डाउन वन क्वेश्चन, डिस्कस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट राइटिंग इट एवरीवन, राइट डाउन द क्वेश्चन, डिस्कस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्कस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। आई रिपीट, डिस्कस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। Performing linear simple harmonic motion. लिखा सब लोगों ने क्वेश्चन लिखा? Yes. अब गाइस यहाँ पे सेम आंसर में पहला पॉइंट लिख लो, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin omega t plus alpha। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। सो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन गाइस, मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो था, तो जीरो होने की वजह से अल्फा क्या मिला था, जीरो, और टाइम तो जीरो था ही, टाइम जीरो। तो इसे हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यूज करोगे तो क्या मिलेगा, दैट एक्स एज इज, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, keep it a sin as it is, a sin t की जगह पे जीरो, अल्फा की जगह पे जीरो। सो गाइस ये पूरा स्टेप इस तरीके से हो जाएगा, a sin जीरो, एंड sin जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड विद द a इज जीरो। इट मीन्स मेन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो, इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। लेट मी नो यू ऑल आर गेटिंग इट और नॉट। यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके ओमकार, देविका, स्नेहा, ओके ओके। अब गाइस ये तो मैंने प्रूफ किया है मेन पोजीशन के लिए, अब आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे प्रूफ करना है प्लस माइनस ए। अब गाइस प्लस माइनस ए प्रूफ करना है, तो याद रखना एक बार ये जो अल्फा है ये मेन पोजीशन की जगह पे एट एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक बार आपको अल्फा की जगह पे पाई बाई टू यूज करना है, टाइम जीरो रहेगा, पहले पाई बाई टू पुट करके निकालो, फिर उसके बाद थ्री पाई बाई टू पुट करके निकालो। लेट मी नो प्रूफ होता है कि नहीं। एक बार पाई बाय टू पुट करके फाइंड आउट करो, और एक बार थ्री पाई बाय टू।
सर एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। वो कुछ भी ये नहीं करना था, अरे अपने को प्रूव करना है प्लस माइनस ए, हमें प्रूव करना है प्लस माइनस ए। लिसन, सेम इक्वेशन पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे सो एक्स, आवर एक्स विल बी एज इट इज, एक्स एज इट इज है दैट ए साइन व्हिच इज आल्सो एज इट इज, टी इंस्टेड ऑफ टी विल पुट द जीरो एंड जीरो मल्टीप्लाइड विद ओमेगा दैट विल बी ए जीरो, और अल्फा की जगह पे विल यूज दी पाई बाय टू, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पाई बाय टू यूज करना है। सो ए साइन पाई बाय टू, तो गाइज यहाँ पे साइन पाई बाय टू मीन्स व्हाट, साइन 90, साइन 90 इज 1, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए प्रूव हो जाता है ना यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए प्रूव हो गया। अब गाइज सेम कॉन्सेप्ट में अल्फा की जगह पे जो पाई बाय टू है वहां पे पुट करो 3 पाई बाय टू, जहां पे अल्फा की जगह पे पाई बाय टू रखा है वहां पे अल्फा की जगह पे 3 पाई बाय टू पुट करो। ओके ओके गाइस, जिनको नहीं मिला है वो करेक्शन कर लो एक बार, मतलब अल्फा की जगह पे 3 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू पुट करना है तो यहाँ पे 3 पाई बाय टू। अब 3 पाई बाय टू में गाइस साइन 3 पाई बाय टू, साइन 3 पाई बाय टू मीन्स माइनस 1, और अगर माइनस हो गया तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो दो हमें एंगल मिले हुए थे वो दोनों को यूज करने पे एक बार प्लस ए मिल गया और एक बार माइनस ए, तो प्लस माइनस ए। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस ए कैसे आ रहा था ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे डेरिवेशनली किया है, पहले हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ था, अभी ये डेरिवेशनली हुआ है। एंड लेट मी नो गाइस कि आप लोगों को समझा या नहीं। कम ऑन स्पीक अप एवरीवन, तीनों डेरिवेशंस क्लियर हुए, तीनों डेरिवेशंस क्लियर हुए क्या, किस तरीके से करना है? ओके ओके गुड 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 एवरीवन। अब गाइस बस 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 समझ गया मैं लिख चुके। अब गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि हम लोग a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूला को हम लोग दो जगह पे प्रूफ करने वाले हैं, दो डेरिवेशन से, दो अलग अलग डेरिवेशन से a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सेलरेशन डेरिवेशन में प्रूफ कर दिया है। अब गाइस इस डेरिवेशन के बाद जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मल से प्रूफ किया, अब हम लोग इसको एक और डेरिवेशन में प्रूफ करने वाले हैं बट अलग फॉर्मेट से। ये वही कैलकुलस मेथड है जो आप लोगों ने यूज किया हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करने में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है तो वो डेरिवेशन आज फिर हम लोग करने वाले हैं। तो उस टाइम पे अगर जिनको नहीं समझा हुआ था या फिर जो लोग एब्सेंट थे वो आज वापस देख लें और अच्छी तरीके से इस पॉइंट को समझ लें। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप इनके पॉइंट समझे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो पीडीएफ भेज रखा था आप लोगों को वो पीडीएफ सबके पास है ना?
यस सर। एक सेकंड गाइस, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो स्क्रीन दिख रहा है क्या सब लोगों को? देखो स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैसेज करोगे इसमें? मतलब मुझे अभी आप लोगों का मैसेज नहीं दिख रहा है, सो इट्स बेटर कि आप लोग अनम्यूट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने स्क्रीन ऑन कर रखा है। यस सर। अब गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक काम करो नोट कर लो, क्वेश्चन लिख लो। शो दैट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर। Write down that question. Show that linear simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion on any diameter. अब गाइस ये भी हैड टू डायग्राम और क्वेश्चन में वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। शो दैट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर। तो गाइस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डेफिनेशन है ऑलरेडी 11th में मैं आपको बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। सो लेट मी नो फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस आगे कांस्टेंट वेलोसिटी विद व्हाट? कांस्टेंट वेलोसिटी। गुड गुड गुड। यस यस यस। लिसन एवरीवन, अब यहाँ पे जो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमें ये प्रूव करना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ था, सेम वही डेफिनेशन है। तो फिजिक्स में जब भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, सो ऑलवेज स्टार्ट विद द कंसीडर आइदर द अज्यूम। तो हम लोगों को जो स्टेटमेंट है, जरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, तो सबसे पहले पॉइंट में लिखोगे, देखो यहाँ पे दोनों डायग्राम बने हुए हैं, दोनों ही सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में पार्टिकल रोटेट हो रहा है। तो अब पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, कंसीडर पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आई रिपीट एवरीवन, द पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। आई रिपीट गाइस, सेम वही डेफिनेशन लिख देना है, खाली कंसीडर से स्टार्ट करके। Consider a particle which is moving along the circumference of a circle with constant angular velocity in clockwise direction as shown in the figure. Yeah, आपका पहला पॉइंट होगा गाइस। पहले पॉइंट के बाद देखो, एक फिगर ए है और एक फिगर बी है। तो सबसे पहले फिगर ए के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो फिगर ए है, फिगर ए में गाइस देखो, यहाँ पे जो पी है, पी का मतलब यही वो पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल का पॉइंट है जहां से पार्टिकल रोटेट हो रहा है। तो सर्कमफेरेंस दिख रहा है आप लोगों को। हम लोग सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, दैट पार्टिकल पी इज द रेफरेंस पार्टिकल एंड द सर्कल वेयर इट शुड बी मूविंग, दैट सर्कल इज नोन एज द रेफरेंस सर्कल। गाइस वापस बोल रहा हूँ, दैट पार्टिकल पी विच इज रिप्रेजेंटिंग द रेफरेंस पार्टिकल एंड द सर्कल वेयर इट शुड बी मूविंग, दैट सर्कल इज नोन एज द रेफरेंस सर्कल। एंड अब गाइस थर्ड पॉइंट में लिखोगे, that point M is the projection point of P.
मतलब जो पार्टिकल पी है हमें उसको डायमीटर में चेक करना है, तो जो डायमीटर है वो पॉइंट बी सी है, तो गाइस ये जो पार्टिकल है वो तो सर्कमफेरेंस में घूम रहा है, बट हमें चेक करना है कि डायमीटर में क्या है, वो डायमीटर में उसका पॉइंट क्या होगा। तो हम लोगों ने उससे जस्ट एक अपोजिट पॉइंट बना दिया है, पी के अपोजिट में एम, तो मतलब पार्टिकल पी का डायमीटर में जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो एम है। तो ये बात याद रखना, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा, दैट पार्टिकल पी विच इज हैविंग अ प्रोजेक्शन पॉइंट एम ऑन अ डायमीटर बी सी। सो गाइज यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल पी में, जितनी वेलोसिटी पार्टिकल पी में या फिर जितना एक्सेलरेशन पार्टिकल पी में होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन पॉइंट एम में भी होगा। याद रखना कि पार्टिकल पी और एम दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन पी का होगा सेम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एम का भी होगा। अब गाइस यहां पर ये तो पहला पॉइंट है जहां पे टाइम जीरो है, ये पहला ग्राफ है हमारा, तो यहाँ पे टाइम जीरो है, मतलब जो पार्टिकल है वो इनिशियल एंगल पे होना चाहिए था, मतलब उसका एंगल भी जीरो होना चाहिए था, बट स्टार्टिंग पोजिशन पे ही थोड़ा बहुत एंगल यहाँ पर है जिसे हम लोग अल्फा में देख रहे हैं। तो गाइस इस एंगल को, इस स्टार्टिंग एंगल को हम लोग इपोक ऑफ SHM बोलते हैं, नोट कर लो कहीं, अल्फा को जो स्टार्टिंग फेज होता है इस अल्फा को हम लोग इपोक ऑफ SHM कहते हैं। गाइज याद रखना, जब स्टार्टिंग एंगल कुछ ना कुछ होता है तो उसे हम लोग इपोक ऑफ SHM कहते हैं। गाइज इसके चार नाम है, सबसे स्टैंडर्ड जो था वो इपोक ऑफ SHM है, मतलब EPOCH, इपोक ऑफ SHM। दूसरा है स्टार्टिंग फेज, तीसरा है कॉन्स्टेंट, और चौथा है इनिशियल फेज। गाइज इसके चार नाम है, स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज, फेज कॉन्स्टेंट एंड इपोक ऑफ SHM। ये चार नाम है इस अल्फा के। तो MCQs में या फिर वन मार्क के क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछा जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखना, स्टार्टिंग फेज को हम लोग फेज ऑफ SHM, इपोक ऑफ SHM, ज्यादातर वो लोग इपोक ऑफ SHM पूछेंगे, तो याद रखना इपोक ऑफ SHM को हम लोग स्टार्टिंग फेज कहते हैं, आगे डेफिनेशन दे दूंगा मैं इसका। सो दैट अल्फा व्हिच इज रिप्रेजेंट, हां हां सर, कैन अल्फा बी कॉल्ड द फेज एंगल आल्सो? यस, लिसन, या तो फेज बोल लो या तो एंगल बोल लो। ओके, या तो फेज बोलो या तो एंगल बोलो। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब जो हम लोग डायरेक्ट 90 लिख देते हैं वो एंगल हो गया, और अगर 90 की जगह पे हम लोग पाई बाई 2 लिख देते हैं तो वो फेज हो गया, दोनों चीजें एक ही है। ओके सर, खाली उसको अलग फॉर्मेट से लिख दे देते हैं हम लोग, तो फेज एंगल नहीं, खाली फेज, या तो फेज बोलो या तो एंगल बोलो। तो अभी यहाँ पे इसके चार नाम वो क्लियर हुए क्या, चारों नाम? स्टार्टिंग फेज को हम लोग इपोक ऑफ SHM भी बोलते हैं। अब गाइस ये जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। अब इस सर्कल को हम लोगों ने चार कॉलम में डिवाइड किया है, तो अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो ये पहले कॉलम से डायरेक्टली फोर्थ कॉलम में चले जाएगा। आई रिपीट एवरीवन, जो भी ये जो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो व्हेन दैट पार्टिकल व्हिच शुड बी स्टार्टेड टू मूविंग एट द टाइम इट शुड बी मूविंग ऑन अ 1/4 बैक कॉलम, मतलब 1/4 बैक कॉलम में जाएंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, दिख रहा है ना? मतलब पहले कॉलम में था, अब ये फोर्थ कॉलम में है, तो जहां पे पार्टिकल पी होगा उसी के अपोजिट में पार्टिकल एम भी होगा। अब गाइज यहाँ पर जो एंगल है वो ग्रेटर हो गया है। अब गाइज एक सेकेंड, मैं आप लोगों को ये एंगल ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे ये पॉइंट। अब गाइस यहाँ पर ये जो सर्कल था हमारा, एक सर्कल था और ये हमारा टर्म था, यहाँ पे पार्टिकल पी था, ये हमारा सर्कल था, यहाँ पे गाइस पार्टिकल पी था हमारा। अब इसका एंगल जो था वो हमारा था अल्फा, अल्फा को हम लोग बोल रहे थे इपोक ऑफ SHM, अल्फा था।
अब गाइस ये जो पार्टिकल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये वन से कहां पर चले गया, फोर्थ कॉलम में, तो फोर्थ कॉलम में चले जाएगा गाइस, तो ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये हमारा जो पी था वो यहां पर आ गया, तो जहां पे पी होता है वहीं पर एम भी होता है, तो यहां पे एम हो गया। तो गाइस यहां पर जो एंगल था वो भी तो ग्रेटर हो गया, तो पहले अल्फा था स्टार्टिंग फेस, अब एंगल एक्सटेंड हुआ है, तो बेसिकली होगा क्या, अल्फा प्लस थीटा। लेकिन गाइस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यस और नो? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और अगर मैं थीटा फाइंड आउट करूं तो थीटा क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी। तो गाइस यहां पर जो थीटा था उसकी जगह पे आ गया अल्फा प्लस ओमेगा टी। देखो ये एंगल समझ में आया क्या सब लोगों को? गाइस सिर्फ अल्फा इपोक ऑफ एसएचएम था, इपोक ऑफ एसएचएम मतलब इपोक ऑफ एसएचएम का मतलब क्या था, स्टार्टिंग फेज था, और अल्फा प्लस ओमेगा टी को हम लोग फेज ऑफ एसएचएम बोलेंगे, या तो फेज ऑफ एसएचएम बोल लो या तो फाइनल फेज बोल लो, मतलब ये स्टार्टिंग में था और ये एंडिंग में है। अल्फा प्लस ओमेगा टी कैसे आया डायग्राम में वो समझ में आया क्या, यस और नो? Should I explain once again? Okay, अंकुश समझ में आया आपको? What about others? Guys, ये 1/4 column में जाने की वजह से angle extend हो गया, तो पहले initial phase मिला था, अब final phase मिला है। Initial phase alpha था, जिसको epoch of SHM कहते हैं, और final phase हमारा मिला है alpha plus omega t। तो guys, अब यही same format हम लोग उन डायग्राम में यूज करने वाले हैं। अब गाइस डायग्राम में हमारे पास 1/4 बैक कॉलम में हमारा पार्टिकल चले गया, पहले मीन पोजीशन पे था, 1/4 बैक कॉलम में गया है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। तो गाइस एक्सट्रीम पोजीशन, अभी डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन में एक्सट्रीम पोजीशन का फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, व्हाट वाज दैट, व्हाट वी हैड द फॉर्मूला इफ द पार्टिकल व्हिच शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। X equal to A cos omega t. Yes, so ab guys yahan pe hum log jo extreme position ka term use karenge kyunki jo particle hai hamara extreme position pe pahunch chuka hai, to extreme position pe pahunch chuka hai, to hum log yahan pe likhenge X is equal to A sin omega t plus alpha. अब गाइस पे जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है, मैं थीटा की जगह पे ओमेगा टी प्लस अल्फा यूज किया, एक सेकंड ना गाइस, साइन नहीं सॉरी कॉस, मैंने थीटा की जगह पे ओमेगा टी प्लस अल्फा यूज किया है। अब थीटा की जगह पे ओमेगा टी प्लस अल्फा इसलिए यूज किया जाता है गाइस क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में हमें जो फाइनल एंगल मिला है वो ओमेगा टी प्लस अल्फा है। हमारे पास वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था एक्सट्रीम पोजीशन का, इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, बट अगर न्यूमेरिकल में जो एंगल वो लोग देंगे उस न्यूमेरिकल में होगा वो एंगल हमें यूज करना है, ना कि हम लोग स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो डायग्राम में हमें एंगल मिला है फाइनल, वो मिला है ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो एंगल की जगह पे ओमेगा टी प्लस अल्फा यूज करेंगे हम लोग। ये समझा सब लोगों ने? अब गाइज ये हमारा है इक्वेशन नंबर वन, सब लोग लिखते चले जाओ अभी गाइज, ताकि कंफ्यूज ना होना, that is our equation number one. After that equation number one, guys, हमें यहाँ पे acceleration तक चलना। We need to go with the acceleration point. तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोगों को velocity चाहिए। तो velocity की concept क्या है? V is equal to that velocity which is equal to rate of change of displacement per unit time. Rate of change of displacement per unit time, guys. तो अब यहाँ पे जो displacement है, अब displacement की जगह पे हम लोग use करेंगे V is equal to d upon dt. तो guys जो displacement है, displacement की जगह पे हम लोग उसका equation use कर लेंगे। Equation क्या था? A cos omega t plus alpha
ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था तो हम लोगों ने इक्वेशन लिख लिया। अब गाइस यहाँ पर जो भी टर्म कांस्टेंट है वो टर्म बाहर आ जाएंगे, याद रखें जो भी टर्म कांस्टेंट है वो सारा टर्म बाहर आ जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ए को बाहर ले लेंगे, ए कांस्टेंट है एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे माइनस हम लोगों ने साइन ले लिया। अब गाइस यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव कर चुके हैं तो अब डेरिवेटिव करना है ओमेगा टी का। सो इफ वी डू द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, तो गाइस यहाँ पर याद रखना डेरिवेटिव ओमेगा टी का करेंगे तो डी ओमेगा टी अपॉन डी टी, वेयर द डी डी गेट डी टी डी टी गेट कैंसल, सो विल रिमेन ओनली ओमेगा। समझा आप लोगों को, इफ द डी टी डी टी गेट कैंसल सो विल रिमेन वही है ओनली ओमेगा, तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा लिख लेंगे। ये ओमेगा बाहर कैसे आया, समझ में आया क्या सबको? यस और नो एवरीवन, ओमेगा बाहर कैसे आया, समझ में आया? एक बार रिपीट करो। देखो सबसे पहले एक कांस्टेंट था तो एक कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर लिख लिया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस बाहर लिखा साइन लिखा। अब ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे, ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो बेसिकली जो हमारा डी अपॉन डी टी है वो ओमेगा टी से मल्टीप्लाइड होगा, where the dt dt get cancel and will remain the omega, so omega should be a come out, so हम लोगों ने यहाँ पे omega लिख लिया। ये देखो मैंने नीचे लिख रखा है, ये step लिख के रखो ताकि आप लोगों को याद रहे कि omega किस तरीके से बाहर आ रहा है। और guys अगर हम लोग alpha का derivative करेंगे तो alpha का derivative zero हो जाता है, तो alpha का derivative करने की जरूरत नहीं है, ये लिख के रखो ये जो मैंने bracket out किया हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे कि omega कैसे बाहर आया है। अब गैस यहाँ पे साइन है तो गैस साइन के साथ हमेशा एंगल होता है, साइन कभी भी सिंगल फॉर्मेट में नहीं होता, तो डायग्राम में हमारे पास जो एंगल मिला था दैट एंगल शुड बी ओमेगा टी प्लस अल्फा, जो भी डायग्राम एंगल मिला था वो एंगल यूज कर लेंगे ओमेगा टी प्लस अल्फा, that is our equation number 2. let me know velocity samjha ya nahi, let me know guys velocity ka format samjha ya nahi, derivative of alpha zero ke sambandh alpha angle hai, angle ka derivative zero hota hai yaad rakho, done? ab guys yahan pe acceleration find out karna hai, to agar हम फाइंड आउट करूंगा तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन गाइस। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, विल कीप दैट डी अपॉन डी टी एज इट इज, और गाइज यहां पर वेलोसिटी का पूरा इक्वेशन लिख देंगे माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये स्टेप समझा आप लोगों को, वेलोसिटी का जो भी इक्वेशन था वो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। नाउ गाइज अगेन वी नीड टू डू द डेरिवेटिव ओवर हियर, वापस अभी डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो भी कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा तो माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, साइन का डेरिवेटिव विल बिकम इट विल बिकम अ कॉस, तो जो साइन का डेरिवेटिव था उसे कॉस यूज कर लिया हम लोगों ने। अब गाइस यहाँ पर हमारे पास कॉस है, अगेन विल डू द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे अगेन डीटी डीटी गेट कैंसिल एंड ओमेगा शुड बी अ कम आउट, वी ऑलरेडी हैड द ओमेगा एंड ओमेगा इनटू ओमेगा दैट विल बिकम अ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा गाइस। अब यहां पे सेम कॉस है मतलब कॉस के साथ एंगल होगा एंड इंस्टेड ऑफ एंगल वी यूज डी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं,
एक्सेलरेशन का ये स्टेप कैसे आया, समझ में आया या नहीं? गाइज यहाँ पर एक ही चीज की दिक्कत हो सकती है कि आप लोगों को इस बात कंफ्यूज हो सकते हो कि ओमेगा बाहर कैसे आया। तो सिंपली याद रखना, हम लोग कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा को बारी बारी डेरिवेटिव कर रहे हैं, या फिर साइन कॉस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को, तो साइन होगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस होगा तो माइनस साइन। ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा से डीटी डीटी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब गाइस ये हम इस इक्वेशन में गाइस हम लोग ओमेगा को बाहर ले रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लिया मैंने। माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लोगे तो ब्रैकेट में खाली क्या रिमेन रह जाता है, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में रिमेन रह जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो गाइस यहां पर ये वाला जो स्टेप है जो मैंने ब्लू में लिखा है, ये जो ब्लू वाला पूरा ब्रैकेट है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर लेंगे। लेट मी नो इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या था। क्या इक्वेशन होगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके नीचे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन माइनस ओमेगा एक्स where a is directly proportional to minus x and omega square get constant, omega square constant ho jayega, and where the negative sign which is representing acceleration and displacement they both are in opposite direction. Let me know derivation samajh mein aaya ya nahi. last step dekho, omega square jo hai na, ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों ने, वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है तो किसी ना किसी एक चीज को कांस्टेंट करना होता है, तो ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट कर दिया है। सो हियर वी रिमेन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जहां पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। Let me know guys, derivation clear हुआ क्या सबको? मोहम्मद आप नहीं थे? Yes, sir. आप जब 11th में कराया था तभी आप ये derivation में नहीं थे, अभी समझ में आया आपको ये? Yes sir, समझ आया। Okay. अब guys यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने खाली equation format लिखा था, तो आपको कौन कौन से point लिखने हैं। ये equation सब लोगों ने लिखा ना, सब लोगों ने लिखा है नहीं, सब लोगों ने लिखा है सर, लिखा है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली जो मैंने नोट्स भेजा है उसमें कितना लिखना है आप लोगों को, ताकि याद रहे आप लोगों को एग्जैक्टली वहां पे कितना लिखना है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? यस सर, यस सर। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट विथ डायग्राम, यहाँ पे चार पॉइंट और पांचवा पॉइंट। पांच पॉइंट लिखने के बाद गाइस स्टार्टिंग में पांच पॉइंट लिखना है आप लोगों को, और जितने भी मैंने इक्वेशन लिखे हैं वो फिर पूरा इक्वेशन लिख देना, फिर उसमें कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? बट स्टार्टिंग के पांच पॉइंट लिखना जरूरी है। समझ में आया सबको? यस सर। अब गाइस मैं इसका जो स्टेटमेंट था उसे वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप स्टेटमेंट लिखने में कंफ्यूज नहीं होना। स्टेटमेंट रट्टा नहीं मारना है, स्टेटमेंट अपने ओन वर्ड में लिखना है, बट ओन वर्ड में लिखने बोल दिया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दाने लिख डालोगे। आपको डायग्राम देखना है, डायग्राम देख के उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर होगा उसको आप स्टार्ट करोगे कंसीडर से, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखोगे,
consider a particle which is moving along the circumference of a circle with constant angular velocity in anti-clockwise direction as shown in the figure. After that, second point mein aap log likhoge that particle P is a reference particle and the circle where it should be moving, the circle is known as the reference circle. That mein likhoge that particle which is having a m on a diameter BC. आप लोग लिख देना दैट पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ 1/4 बैक कॉलम सो इट शुड बी हैविंग द एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा. ये सारे पॉइंट्स हैं. ये पॉइंट लिखने के बाद फिर उसके बाद समझ में आया सब लोगों को किस तरीके से लिखना है ये. अब 5 मिनट है आपके पास. ये डेरिवेशन देख लो समझ में आया है या नहीं आया वी नो देन विल मूव. 5 मिनट गाइस डेरिवेशन फटाफट देख लो. हाँ बोलो. आप मुझे मिस करोगे. आपका आवाज बहुत ब्लर हो रहा है. बहुत ब्लर हो रहा है सर. मुझे मैसेज करो. स्पीक लाउडली. हाँ सर. कैसे लिखना नहीं समझा. कैसे लिखना है नहीं समझा. अंकुश अंकुश कौन सा पॉइंट नहीं समझा है सर. ये पॉइंट कैसे लिखना है सर. ये 5 पॉइंट नहीं समझा. अरे 5 पॉइंट डायरेक्ट लिखना है भाई जो उसमें लिखा हुआ है. नोट्स दिया है ना मैंने. हाँ सर. नोट्स है आपके पास जो पीडीएफ भेजा है. हाँ सर. हाँ तो 5 पॉइंट लिखना है. स्टार्टिंग के 5 पॉइंट लिखना है. डायग्राम बनाना है और जो इक्वेशन डेरिवेशन दिया है वो लिखना है. यस सर. समझे. हाँ सर. ओके व्हाट अबाउट अदर्स. आप एक बार अंकुश एक बार आप डेरिवेशन देख लो जो इक्वेशन है वो समझे हैं या नहीं. वो मेन है. ओके. और कोई बोल रहा था दैट गर्ल. आगे बढ़ जाएं गाइस. मैसेज करो. आवाज बफर हो रही है. मैसेज करो. यस सर. ओके ओके लिसन. अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था. क्या बताया था एम्पलीट्यूड के बारे में. What do you mean by the amplitude? Maximum. वापस बोलो. वापस बोलो. Altitude right है अंकुश. और क्या बताया था altitude के बाद. Maximum displacement of a particle from its main position. Which is also called as a height or altitude. और extreme position मतलब amplitude दो positions में मिलता है. extreme position पे भी और mean position पे भी. हाँ हाँ. अरे four. अंकुश ये जो 4 amplitude लिख के भेजा है आपने ये तब लिख के लिखना है आपको जब नीट और JEE में अगर ये पूछ लेंगे कि एक set of oscillation में In one such set of oscillation, how many amplitudes are present over there? तब लिखना है 4a. अभी मैंने सिर्फ definition पूछा था. Amplitude का definition है the maximum displacement of a particle from its mean position. अब guys, इसके बाद we had the frequency. तो frequency का मतलब क्या था?
Let me know the definition of frequency. Sir, number of in a second. Rotation per second. Rotation per second. Okay, okay. मैंने देखो गाइज आप लोगों को बहुत ही सिंपल टर्म में समझाया हुआ था कि जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ वर्क शुड बी डन इन वन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना काम किया है. तो बेसिकली अपने पास चार टाइप के यहाँ पे चैप्टर्स हैं, या फिर चार टाइप के कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाते हैं, जो सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है. तो डेफिनेशन कैसे लिखना है, द नंबर ऑफ, अभी पहले तो ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ. The number of oscillations performed by a particle in one second. Similarly, अगर rotation में होगा तो लिख देना the number of rotations performed by a particle in one second. Similarly, अगर ये circular motion में होगा तो the number of revolution performed by a particle in one second. और अगर vibration में लिखना होगा तो लिख देना the number of vibrations performed by a particle in one second. So basically, number of oscillation, number of rotations, number of vibrations, and number of revolutions performed by a particle in one second, they all are known as the frequency. But guys, यहाँ पर जो formula है वो formula different होगा. यहाँ पे ये बात याद रखना, frequency का जो formula है oscillation format में वो formula different होगा. And that formula is, मैं जो भी अभी यहाँ पे formula दे रहा हूँ वो formula जरा ध्यान से समझना. Basically, frequency which is equal to 1/T, guys, where the time period. टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/T की जगह पे लिखेंगे हम लोग 2π/ω. 11th में मैंने नोट करके दिया हुआ है ये सारी चीजें. यस और नो, यस और नो गाइस, दिया है या नहीं? मोशन इन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दिया हुआ है मैंने. अब गाइस ये जो ओमेगा है, ओमेगा ऊपर जाएगा, ये ओमेगा यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा ये. सो अवर फॉर्मूला इज ओमेगा अपॉन 2π. ओमेगा यहाँ पे 1/2π. ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, come on let me know everyone, ओमेगा की जगह पे क्या लिखूं यहाँ पे, under root k by m प्रूफ किया था मैंने. सो इंस्टेड ऑफ ओमेगा विल सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन ऑफ ओमेगा, दैट शुड बी द अंडर रूट के अपॉन m. ये फॉर्मूला लिख लो गाइस, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का फॉर्मूला है on. Come on, speak up everyone. Definition of time period of spring mass oscillator. Yeah, simple time period of oscillation. है 128 GB
इज दैट क्लियर एवरीवन? टाइम पीरियड समझ में आ रहा है सबको? मेमोरी पता कितनी है? 8799. अरे ये कौन है मेमोरी 8799? लेक्चर चल रहा है गाइस, भूल जा रहे हो आप लोग. तो गाइस यहां पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड स्प्रिंग मास ऑफ ऑसिलेटर का क्या है? सेम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोग लिख दोगे 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. ये फॉर्मूला लिख लो सब लोग, ये टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर. That is the time period of oscillation, guys. Time period of oscillation का formula लिखते जाओ, ये सारे formulas important है, नहीं तो confused हो जाओगे NEET और JEE में. नहीं पता. Now let me know, guys, the definition of oscillation. What was that? Definition of oscillation. Mohammed, what was the definition of oscillation? A repeating motion. Motion. Motion is known as an oscillation. Mohammed. मैंने बताया था मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन, वन सच सेट ऑफ द मोमेंट इज नोन एज ऑसिलेशन. अंकुश, अंकुश आवाज आ रही है मेरी? अंकुश, अंकुश मोशन नहीं मोमेंट. द मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल अगेन एंड अगेन, वन सच सेट ऑफ द मोमेंट इज नोन एज द ऑसिलेशन. मैंने डेफिनेशन पीडीएफ में भेजा हुआ है. Amplitude, frequency, time period, oscillation, ये सारे definitions लिख लेना अपने notes में. Yes, अब guys, यहाँ पे time period का एक derivation भी है. तो पहले questions देख लो आप लोग कि क्या question है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसका derivation शुरू करता हूँ. और एक और बात guys, यहाँ पर मैं डेरिवेशंस के खाली इक्वेशंस इक्वेशंस करा रहा हूँ, जो भी उनके स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ. आप जब अपने नोटबुक में लिखोगे तो नोटबुक में आप लोग पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखोगे. मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे डेरिवेशन में कितना लिखना है. तो यहाँ पर गाइज मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? देखो स्क्रीन दिख रहा है क्या? Question number 15 only definition, question number 16 definition formula, question number 17 definitions, और question number जो 18 है वो derivation है time period का. तो एक बार question देख लो आप लोग. Derive an expression for time period of a particle performing simple harmonic motion. I repeat everyone, जो question है यहाँ पे वो question है, derive an expression for time period of a particle performing simple harmonic motion. तो गाइज अब यहाँ पे टाइम पीरियड प्रूफ करना है हमें. द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, आइदर वी कैन से द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग द ऑसिलेशन. सो वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ देम. तो अब उसका टाइम पीरियड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो वापस हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं. तो हमें यहाँ पे गाइज टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था. तो बेसिकली हम लोगों को जो मैग्नीट्यूड मिला है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, सो कैन यू नो मी व्हाट वी हैड द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग द एक्सीलरेशन? अहमद, अंकुश, व्हाट वी हैड द इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन व्हिच इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन?
सर प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट एवरीवेयर प्लस माइनस हां मतलब अगर हम लोग डेरिवेशन में उसे यूज कर रहे हैं सो वी राइट ओनली ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट्स इट प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलता है ठीक है प्लस ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड इफ वी फाइंड आउट द ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम देयर सो हियर वी हैविंग ए अपॉन एक्स that x which should be moving on other side to numerator se denominator mein jayega so ab yahan se omega is equal to if we take the square root on both the side dono side mein square root lenge to omega square root get cancel and here we having the under root a upon x it's our equation number 1 but But omega is equal to 2 pi upon t. So instead of omega in equation number 1, we'll substitute over there 2 pi upon t, which is equal to under root a upon x. So guys, यहाँ पर अगर मुझे time period है, तो time period क्या मिलेगा? T is equal to 2 pi, और ये पूरा root का step नीचे चले जाएगा, तो under root a upon x तो गाइस यहां पे जो टाइम पीरियड इक्वेशन मिला है द टाइम पीरियड व्हिच इज t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो ये फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए अपॉन एक्स ये इक्वेशन लिख लो गाइस एंड लेट मी नो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं सर हेडिंग क्या है इसका क्वेश्चन है हेडिंग नहीं है क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल आई रिपीट डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर time period of a particle performing simple harmonic motion derive an expression for time period of a particle performing simple harmonic motion Okay, Mahalakshmi. What about others, everyone? हो गया सर, done. Okay. Mahalakshmi, आपने last time मुझसे कुछ question पूछा हुआ था. कुछ पूछ रहे थे, कुछ doubt था आपको. Let me know क्या doubt था. Mahalakshmi, can you hear me? Sir, इस lecture में. हाँ sorry. हाँ अभी अभी कुछ देर पहले आप पूछ रहे थे ना कुछ question. हाँ sir, वो अंकुश पूछ रहा है. कैसे लिखने समझ भी नहीं आया मैं भी वही पूछ रही हूँ समझ में आया भी कैसे लिखना था उसे हाँ सर अब गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा है इपोक ऑफ एसएचएम इपोक ऑफ एसएचएम सो गाइस इपोक ऑफ एसएचएम के बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को पहले ये बताओ मुझे इपोक ऑफ एसएचएम के बारे में क्या बताया सर के और तीन भी नाम है मतलब बोल सकते तीन और नाम से नाम आप क्या समझे खाली हाँ इनिशियल पार्टिकल एंगल बनाते हैं इसको इपोक यस वेरी नाइस महालक्ष्मी इनिशियल कंडीशन में पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एंगल होता है तो उस एंगल को हम लोग इपोक ऑफ एसएचएम कहते हैं तो इपोक ऑफ एसएचएम गाइस मैं डेफिनेशन कुछ देर के बाद देता हूं आप लोग पहले फार्मूला लिख लो किस तरीके से फार्मूला तो हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है गाइस
याद रखना स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन में टाइम विच इज इक्वल टू जीरो, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, दैट शुड बी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब गाइस हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे टाइम की जगह पे अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा तो इक्वेशन मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, ओमेगा टी तो जीरो हो गया। अब गाइस यहाँ पे ये जो अल्फा है, ये अल्फा ही हमारा इपोक ऑफ एस एच एम है, तो हम लोग क्या करेंगे एक एक स्टेप को इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे, तो एक एक स्टेप को लेके जाओगे तो यहाँ पे एक्स अपॉन ए, पहले ए को हम लोग इक्वल के दूसरे साइड लेके गए, तो यहाँ पे रिमेनिंग खाली क्या रह गया साइन अल्फा, तो गाइस हमें खाली अल्फा चाहिए तो साइन को इस साइड लेके आएंगे, सो हियर वी हैविंग द साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इपोक ऑफ एस एच एम का फॉर्मूला है, डेफिनेशन में कुछ देर के बाद देता हूं आप लोगों को, पहले ये फॉर्मूला लिख लो। ऊपर हेडिंग दे देना इपोक ऑफ एस एच है। इन फेज ऑफ एस एच एम हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो गाइज यहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है यही हमारा फेज ऑफ एस एच एम है, सो देयरफॉर ओमेगा टी प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू फेज ऑफ एस एच एम। फेज ऑफ एस एच एम ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है ये हमारा फेज ऑफ एस एच एम है। लिख लिए दोनों फॉर्मूलास, फेज ऑफ एस एच एम और इपोक ऑफ एस एच एम का। अब गाइज मैं इनके दोनों डेफिनेशन अपने स्क्रीन पे ऑन कर रहा हूँ क्योंकि उसका पीडीएफ मैंने नहीं भेजा था, तो वो दोनों डेफिनेशन आप लोग फटाफट लिख लो। अच्छा गाइस एक और काम है, मतलब इन केस अगर जिन लोगों को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डाल दो जहां पे आप लोग चैट करो ताकि सब लोगों को दिखाई दे, और जिनको जिनको स्क्रीन दिख रहा है फटाफट नेम्स लिख लो। If you complete this, then let me know.
गया सर लिख के. डन डन एवरीवन. नहीं सर मैंने लिखो 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 जिनका लिख के हो गया जरा पढ़ लो. आज जो भी हुआ है देख लो एक बार. सर बोर्ड का पेपर पैटर्न आया क्या? बोर्ड का पेपर पैटर्न? अरे लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ वो देख लो. ये सर जो पेपर हुआ वो देख लो, वैसे ही आएगा आप लोगों को. और हम लोग भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे बोर्ड पेपर पैटर्न के हिसाब से, टेंशन मत ले. बोर्ड के पेपर पैटर्न में एमसीक्यूज है, 1 मार्क के क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क के क्वेश्चन है, 5 मार्क के क्वेश्चन है. यही फॉर्मेट है. जब आप लोगों के 4 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स के बाद नहीं आएगा, 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आने वाले. मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स डिपेंड करता है. मैक्स टू मैक्स 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन 5 मार्क में भी रखते हैं वो लोग, तो 1 मार्क का एक दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें. पांच मार्क का एक क्वेश्चन नहीं होगा कोई भी, याद रखना. मैक्सिमम 3 मार्क, 3 मार्क्स ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क का डेरिवेशन और 2 मार्क के न्यूमेरिकल, या फिर 3 मार्क का न्यूमेरिकल होगा, 2 मार्क का डेरिवेशन. इस फॉर्मेट पे चलता है. ऐसा 5 मार्क डायरेक्ट नहीं मिलेगा, 5 मार्क बहुत ज्यादा होता है. हुआ लिख के सबका? Yes, अब गाइस, अब इतना याद रखना, आज जो भी हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले लेक्चर में विल डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल हार्मोनिक मोशन, वेयर वी गेट द फॉर्मूला, टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, इफ द पार्टिकल विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इफ द पार्टिकल विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन. सो वी हैड द फॉर्मूला ओवर देयर. इफ द पार्टिकल विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजिशन, देन दैट शुड बी द एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. And instead of mean position, suppose the particle should be started from extreme position. So we had the formula x is equal to a cos omega t. So guys, when we doing that to graphical representation, so be specific and be sure ki jo bhi aap log formula use kar rahe ho, that formula should be a right. And uske pehle jo bhi question ho, question tha, thoda dhyan se read kar lena ki particle mean se start hoga ya fir extreme se. Aur jo bhi uske equational points hain, वो उन्हीं फॉर्मेट पे डिपेंडेंट है जो हम लोगों ने डायमीटर वाला डेरिवेशन किया है, जिसके अंदर वो जो 2 सर्कल बने हुए थे, जैसे हम लोगों ने वो डेरिवेशंस फाइंड आउट किया हुआ है, डेरिवेटिव किया है, ओमेगा बाहर आया है. सेम कॉन्सेप्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी इक्वेशन ढूंढे हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, अगले लेक्चर में गाइस डेफिनेटली मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ. और जिन लोगों ने भी होमवर्क नहीं किया हुआ है, जरा होमवर्क करना शुरू कर दो गाइस, नहीं तो हम लोग स्ट्रिक्टली आप लोगों के पेरेंट्स से बात करेंगे. सो इट्स बेटर कि आप लोग अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करो, स्पेशली डेरिवेशंस गाइस. आप लोग थ्योरेटिकल डेरिवेशन या फिर जो क्वेश्चन डेफिनेशन है वो नहीं करोगे चलेगा, बट जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 टाइम एवरीडे, याद रखना गाइस. अगर आप लोग को लग रहा होगा कि एक बार में आपको याद हो जाएगा, तो गाइस भूल कर रहे हो आप लोग. डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक बार में कभी भी याद नहीं होते हैं. तो इट्स बेटर कि अगर आप लोग 3 टाइम या फिर 5 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो. इज दैट क्लियर एवरीवन? सुनाई दे रहा है ना सबको? इन नेक्स्ट लेक्चर आई वांट टू कंप्लीट एवरीवन डेरिवेशंस. जितने भी डेरिवेशंस है, यू ऑल हैव टू कंप्लीट इट. Okay, bye everyone, take care.